नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर कोटा से, न्याय के लिए भटक रहे 280 उपभोक्ता। पिछले दो वर्षों से सरकारी महकमा जिले के उपभोक्ताओं के अधिकार के प्रति पूरी तरह उदासीन है। उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा को लेकर उपभोक्ता वाद निष्पादन फोरम का गठन किया गया है। इसकी सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त जज फोरम के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा दो सदस्य की नियुक्ति कर उपभोक्ता मामलों की सुनवाई का प्रावधान है कि इसके बावजूद पिछले दो वर्षों से फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अध्यादेश जारी नहीं किया गया है। बेंच के किसी भी सदस्य के नहीं रहने पर सुनवाई पूरी तरह ठप है। राम मंदिर निर्माण को धन संग्रह अभियान हुआ तेज। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर मकर संक्रांति पर जिला मुख्यालय स्थित बड़ी काली मंदिर में बैठक हुई। इस दौरान जमा की गई राशि को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया गया। प्रवक्ता शिवराम जायसवाल ने बताया कि संग्रह राशि प्रत्येक दिन बैंक खाते में भेजी जाएगी। नेतृत्व उमेश शर्मा ने किया एवं संचालन क्रमशः यादव ने किया। राशि मतदाताओं में प्रमुख रूप से प्रीतम कुमार गाड़िया ने 1111 रुपया, युगल किशोर भगत ने 5100 रुपये, दीप नारायण शाह ने 5051 रुपये, श्रवण अग्रवाल ने 5100 रुपये सहयोग दिया। धन संग्रह को लेकर शहर के शेष वार्ड में भी जोर शोर से सभी सदस्य मुहिम चला रहे हैं। मांदर की थाप पर झूमा आदिवासी समाज। खबर गोड्डा के ललमटिया से है। आदिवासी के प्रेम और भाईचारे के त्योहार सोहराय ललमटिया क्षेत्र के विभिन्न आदिवासी गांव में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सोहराय के अवसर पर बसडीहा, बढ़ा, सिमरा, पला, भोड़ा और लोहडिया बस्ती में गुरुवार को आदिवासी समुदाय की महिला और पुरुष सहित बच्चे व बूढ़ों ने मिलकर पारंपरिक नृत्य करते हुए त्योहार का आनंद उठाया। आदिवासी महिला पुरुष मांदर, झग्गा, झांझर, केसियो बजाते हुए पारंपरिक आदिवासी परिधान पहनकर गांव के उत्तरी छोर से नृत्य करते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया। निझर मेला का अनुमति नहीं पर निझर में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। पोड़िया हाट की नौडिया पंचायत में लगने वाले दो दिवसीय निझर मेला को लेकर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में यहां सपा और समुदाय के लोग पहुंचकर पूजा अर्चना की। 12 तारीख के आदिवासी ने स्नान कर पूजा अर्चना की। यहां प्रत्येक साल 14 से लेकर 16 जनवरी को मेले का आयोजन किया जाता है। मेला के लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसके बावजूद लोग आना जाना और पूजा अर्चना जारी है। खबर दुमका से। दुमका मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे छात्र, बिना लैब लाइब्रेरी के चल रही है पढ़ाई। डॉक्टर बनना तो गर्व की बात है, इसलिए छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए माता पिता हर संसाधन जुटाते हैं, लेकिन सिस्टम क्या करता है, पहले पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है, फिर सैलरी के लिए तड़पाता है। 30 मार्च से दक्षिण भारत का दर्शन कराएगा भारतीय रेल। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन नए साल में 31 मार्च से भारत दर्शन का यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रियों के दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। गुरुवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया गया। सक्रांत पर्व के साथ दुमका के संथाल आदिवासी करते हैं नए साल की शुरुआत। तीर धनुष प्रतियोगिता का होता है आयोजन। झारखंड की उपराजधानी दुमका में मकर संक्रांति के अवसर पर संथाल आदिवासियों ने सक्रांत पर्व पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बहुत धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। संथाल आदिवासी सक्रांत के दिन को वर्ष का अंतिम दिन मानते हैं। दिशोम मारांगबुरु युग जहर अखड़ा द्वारा भी जामा प्रखंड के कुकुर तोपा गाँव में सक्रांत पर्व मनाया गया। देवघर से। देवघर से संथाल परगना के लिए रवाना की गई कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीन को लेकर इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। वैक्सीन की खेप न केवल देवघर पहुंची, बल्कि यहां से पूरे संथाल परगना सहित गिरिडीह के लिए वैक्सीन की पहली खेप को रवाना किया गया। गुरुवार को उपायुक्त मंजुनाथ वतंजी ने सदर अस्पताल परिसर स्थित क्षेत्रीय टीका भंडार से वैक्सीन को लेकर जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाया। ये वाहन दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और गिरिडीह वैक्सीन पहुंचेगा। देवघर में राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 21 से 23 जनवरी तक। झारखंड राज्य राइफल शूटिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला प्रशासन और राइफल एसोसिएशन के संयुक्त सहयोग से आगामी 21 से 23 जनवरी तक राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी सारी तैयारी जिला प्रशासन और राइफल एसोसिएशन के सहयोग से पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में गुरुवार को देवघर
एसपी अश्विन कुमार सिन्हा ने राइफल शूटिंग एसोसिएशन के रेंज का निरीक्षण किया गया। इस दौरान रेंज में निरीक्षण के लिए पहुंचे एसपी का राइफल एसोसिएशन के सचिव आजाद पाठक ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, साथ ही सभी खिलाड़ी की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया। भारत की भावी पीढ़ी को सुसंस्कृति कर रहा है आरएसएस। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान समिति की देवघर इकाई की ओर से गुरुवार को होलीडे होम के सभागार में एक कार्यक्रम किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अयोध्या के संत बाबा बाल मुकुंद महाराज ने श्री राम के आदर्श व्यक्ति एवं चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्री राम शब्द का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। श्री राम शब्द उच्चारण जिस घर में प्रतिदिन 100 बार किया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दोनों संगठन भारत के भावी पीढ़ी को सुसंस्कृति करने का कार्य कर रहा है। खबर पाकुड़ से। भारत यात्रा पर निकले साइकिल सवार का स्वागत हुआ पाकुड़ में। उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर धाम से 13 मई 2019 से साइकिल यात्रा प्रारंभ कर 51,000 किलोमीटर अखंड भारत महाकाल की यात्रा पर निकले पंडित शुभम शर्मा का स्वागत पाकुड़ शहर के हरी डांगा बाजार स्थित महाकाल सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा जोश खरोश के साथ किया गया। वहीं रात्रि के विश्राम के दौरान पंडित शुभम शर्मा ने यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मैं यूपी के अमरोहा जिला के अंतर्गत गजरोला का रहने वाला हूं और बीए कॉम की पढ़ाई की है। मेरा संयुक्त परिवार है। मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। जिले भर में गुरुवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। जिला सहित प्रखंड मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह होते ही गंगा स्नान के लिए धुलियान फरक्का आदि के लिए रवाना हुए। स्थानीय स्तर पर नदी तालाबों में स्नान करने वालों की होड़ लगी रही। नदी तालाब में स्नान कर लोग भगवान सूर्य की आराधना की। इसके बाद घर पहुंचकर दही चूड़ा तिलकुट आदि की लुप्त उठाया। दोपहर और रात में लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन डालकर खिचड़ी का आनंद लिया। खबर जामताड़ा से। बराकर में मकर स्नान के बाद दुखिया महादेव की हुई पूजा अर्चना। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गुरुवार को नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों ने बराकर नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दुखिया महादेव भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजन के लिए सुबह से ही दुखिया महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव बोलबम के नारे मंदिर परिसर में गुंजायमान हो रहा था। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भक्त बराकर नदी में डुबकी लगाते हैं। साहेबगंज से। गंगा में स्नान कर किया तिल का दान। जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में गुरुवार को मकर संक्रांति मनाया गया। साहेबगंज व राजमहल के गंगा तटों पर स्नान को लेकर लोगों की भीड़ लगी रही। शीतलहर ठंड के बावजूद लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मुक्तेश्वर धाम में पूजा अर्चना किया। इसके बाद तिल छूने के बाद गरीबों के बीच तिलकुट व अन्न दान किया। लोगों ने दही चूड़ा व तिलकुट ग्रहण किया। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बाजारों में विशेष चहल पहल देखी गई। लोगों ने तिलकुट व चूड़ा दही आदि की जमकर खरीदारी की। खबर गिरिडीह से। प्रेरणा शाखा ने बच्चों और महिलाओं के संग मनाई मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की धूम गुरुवार को गिरिडीह में ही नजर आई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर दही चूड़ा तिलकुट और लाई का लुत्फ उठाया। शहर की नदी में भी महिलाएं पूजा अर्चना के लिए जुटी थी। मौके पर लोगों ने त्योहार की मान्यता के अनुसार तिल व लड्डू भी ग्रहण किया। इस दौरान पंचम्बा गोपाल गौशाला में तुला दान कर भी आयोजन किया गया। यहां गौशाला से जुड़े कई सदस्यों ने मौके पर अपने वजन के अनुसार अनाज का वजन कराकर गौशाला के गौवंशों को अनाज भेंट किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।